आज पूरे देश के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर भाजपा सरकार के विरुद्ध जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं थाने के भिवंडी शहर की बात की जाए तो भिवंडी शहर में भी सभी विपक्षीय राजनीतिक पार्टियों ने भी किसानों के समर्थन में अपना सहयोग दे रहे हैं। तो वहीं दिनांक 7 दिसंबर 2020 को कौमी एकता ग्रुप अध्यक्ष तुफैल फारूकी के नेतृत्व में तथा कौमी एकता ग्रुप के कार्यकर्ताओं द्वारा भिवंडी प्रांत अधिकारी को लिखित ज्ञापन देकर किसानों के विरुद्ध काले कानून को वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर कौमी एकता ग्रुप अध्यक्ष तुफैल फारूकी, उपाध्यक्ष परवेज खान पीके, रघुनाथ वालंज, मनोज भोईर, रफीक शेख, जावेद शेख, शहजाद हुसैन शेख सहित कौमी एकता ग्रुप के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित थे। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। कि केंद्र की मोदी सरकार ने रातों रात चोर दरवाजे से पूरे भारतवर्ष के किसानों के विरुद्ध में जो बिल लाए हैं, जो कानून बनाया है, उस काले कानून का विरोध करने के लिए भिवंडी के कौमी एकता ग्रुप की तरफ से तुफैल फारूकी और हमारे दूसरे जो भी साथी है उनके साथ में मिल करके हमने आज प्रांत ऑफिसर को एक निवेदन दिया है और निवेदन में ये उल्लेख है, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है, ये लेटर दिल्ली की गूंगी बैरी सरकार तक पहुंचाया जाए। हमारा और पूरे देश का विरोध है क्योंकि हम पहले किसान हैं और किसानों का दुख दर्द ये हमको अच्छी तरह से मालूम है और आज जिस तरह से पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, केवल किसान ही नहीं बल्कि जो भी जन साधारण इंसान है, जो अनाज खाता है, सब्जी खाता है, फल इस्तेमाल करता है, दूध का इस्तेमाल करता है, वो सारी चीज़ें किसान का उत्पादन है और अगर किसान तकलीफ में आएगा तो पूरा देश तकलीफ में आने वाला है। इसलिए पूरे देश को तकलीफ से बचाने के लिए, परेशानी से बचाने के लिए और भारत के ज़मीन को, खेती को बड़े बड़े उद्योगपतियों के चंगुल से बचाने के लिए आज पूरा देश सड़कों पर आ चुका है। हम भी भिवंडी वासी और एकता ग्रुप, कौमी एकता ग्रुप के लोग भी इसमें इससे दूर नहीं रह सकते। हमारी ये मांग है, पुरजोर मांग है कि ये मोदी सरकार ने जो ये काला कानून पास किया है इसे जल्द से जल्द रद्द किया जाए, वरना ये आंदोलन और भी तीव्र होगा और पूरे देश के गांव-गांव में फैल जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा हमारी एकता फाउंडेशन की तरफ से जो हम लोग लेटर दिए हुए हैं कि किसान को जो तकलीफें हैं उनकी तकलीफ़ों को दूर किया जाए और किसान की जो भी मांग है उसको मांग जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देश के अंदर आप देख ही रहे हो कितनी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं लोग, मतलब वो अपनी तकलीफ बयान करते हुए नहीं सुन रही सरकार, टाइम से टाइम ले रही है बार बार कि आज नहीं, तीन दिन के बाद बैठक होगी, फिर उसके बाद तीन दिन का ऐसी लगातार टाइम लेते जा रहे हैं। किसानों की मांग पूरा करने के लिए जितना करेंगे उतना किसान जो है ना और भीड़ भाड़ होगी वहाँ पर और इकट्ठा होंगे ताकि उनकी मांग जो है पूरी हो सके। ये हम सब भी उसमें शामिल हैं कि किसानों की मांग जो है पूरी हो सके। कल जो भारत बंद होने वाला है किसानों द्वारा जो उन्होंने घोषणा की है उसमें आपका क्या सहयोग रहेगा? किसान जो बंद कर रहे हैं हम उनके साथ, वो होना चाहिए। आज हमने जो है महाराष्ट्र कौमी एकता ग्रुप की तरफ से हमारे सब पदाधिकारी हैं जितने लोग हैं कम तादाद में, इसलिए कि लॉकडाउन का ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए हम लोग बहुत खास जो पदाधिकारी हैं वो लोग आए हैं हमारी कौमी एकता महाराष्ट्र के अंदर। लगभग 10,000 हमारे मेम्बर्स हैं और आज हमने किसानों का जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उनका समर्थन करने के हिसाब से हमने आज प्रांत ऑफिस में लेटर दिया है और हमने मांगनी की है सरकार से कि किसानों की मांग जो है उसे जल्द से जल्द मानना चाहिए और जो उन्होंने कानून बनाया है जिससे किसानों को आपत्ति है वो कानून पर विचार करके उसे वापस लें। जिस तरह मोदी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों के साथ, जवानों के साथ जाकर बॉर्डर पर मनाते हैं, उनके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं, उसी तरह हमारे देश के किसान जो अन्नदाता हैं उन अन्नदाताओं के साथ भी जाकर प्रधानमंत्री को आज 10 दिन से वो खुले मैदान के अंदर ठंडी के अंदर आज हमारे किसान जिन लोग जो देश का पेट भरते हैं आज वो मैदान में पड़े हुए हैं, आज उनका ख्याल लेने के लिए कोई भी सरकार का मंत्री अभी तक उन तक पहुंचा नहीं बल्कि उनको बुलाया जा रहा है और उनको बार बार बुलाकर उनका मजाक बनाया जा रहा है।
हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम सरकार से मांगनी करते हैं कि यदि सरकार ने किसानों के प्रति अपनी राय को नहीं बदला तो पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ने की हम चेतावनी देते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज आम्ही येथे आलो आहे एक निवेदन द्यायला बँक ऑफिसमध्ये। त्याचा उद्दिष्ट असा आहे, भारतामध्ये जे शेतकरी आंदोलन चालू आहे त्यांना समर्थन, आणि जे हिटलरवादी सरकार आहे या हिटलरवादी सरकारने जे कायदे लागू केलेले आहेत त्या शेतकऱ्यांवरती, ते कायदे त्यांनी हटवावे। आणि त्यांना जे बळीराजा आहे, जे आमचे अन्नदाता आहेत, त्यांना सपोर्ट करावा आणि त्यांच्या बरोबर राहून त्यांचे जे मागणी आहेत ते पूर्ण करावी, एवढीच आम्ही या निवेदनाद्वारे या प्रांत ऑफिसमध्ये दिलेला आहे।